एक बेहद चौंका देने वाली घटना सामने आई है जिथे एक परिवार एक लाश के नाल डेढ़ साल तक रहिंदा रहा। जी हाँ, एक लाश के नाल ये परिवार रह रहा सी। पिछले डेढ़ साल तो हर रोज़ सफाई हुंदी सी लाश की, जो कपड़े दे नाल साफ किया जाता सीगा, एंटीबैक्टीरियल लिक्विड दे नाल साफ किया जाता सी, 24 घंटे एसी दे विच रखिया जाता सी। एक इनकम टैक्स ऑफिसर सी विमलेश सोनकर, जिन्हां दी करोना दी दूजी लहर दे दौरान 21 अप्रैल 2021 नूं मौत हो गई सी। डॉक्टरां ने मृत ऐलान दिता, डैथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिता, लेकिन फैमिली ये मनन नूं तैयार नहीं सी कि उन्हां दा अपना इस दुनिया तो जा चुकी है। जिस दे बाद उसनूं अपने घर दे विच रखिया गया, ये समझिया गया कि वो मानसिक हालत ठीक नहीं है या डूंगी नींद दे विच कौमा दे विच चला गया। इसी दे चलदे 24 घंटे एसी दे विच इस लाश नूं रखिया गया। रोज़ उसकी सफाई हुंदी सी, कपड़े बदले जांदे सीगे, ते हुण किते जाके जदों उन्हां दे ऑफिस तो कुछ लोग घर विच पहुंचे तां पूरे मामले दा खुलासा होया, जिहदे बाद सीनियर अधिकारियां ने इत्थे पहुंच के इस लाश नूं अपने कब्जे दे विच लिया ते परिवार नूं समझाया कि उन्हां दा बेटा इस दुनिया दे विच नहीं रहा। लाश की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी सीगी, लेकिन परिवार मनन नूं तैयार नहीं सी। तां पूरा मामला कानपुर दा है, जिथे ये परिवार डेढ़ साल तक लाश नाल रहिंदा रहा। 35 साल इनकम टैक्स ऑफिसर विमलेश सोनकर दी 22 अप्रैल 2021 नूं कोरोना की दूजी लहर दे विच मौत हो गई सी। हस्पताल ने डैथ सर्टिफिकेट भी जारी करता, लेकिन परिवार नूं लगा कि विमलेश मरिया नहीं है, वह कौमा दे विच है। इहदे पिछे एक रीज़न ये भी है कि जदों यह परिवार संस्कार के वास्ते जा रहा सी तां कुछ हलचल उन्होंने विमलेश की दिखाई दिती, जिहदे चलते उन्होंने यह लगा कि इसकी मौत नहीं हुई है। उसनू घर दे विच लिआंदा गया, घर दे विच विमलेश की पत्नी, उसके बच्चे, विमलेश के माता पिता ते दो भरा मौजूद सन। काफ़ी वड्डा जो फैमिली है वह सीगी, तो सारे मिल के इस लाश की देखभाल करते सन। इस गल का खुलासा उदों होया जदों विमलेश के लगातार ड्यूटी ते गैर हाजिर रहने के चलते इनकम टैक्स विभाग की टीम उसनू लभदे हुए घर पहुंची, तो टीम नू कमरे दे विच विमलेश की मम्मी बनी हुई लाश मिली। विमलेश कुमार अहमदाबाद दे विच इनकम टैक्स विभाग दे विच असिस्टेंट ऑफिसर दे अहुदे दे उपर काम करते सीगे। कोविड दूजी लहर के दौरान उन्हां दी सेहत विगड़ी, परिवार वाले उन्हां नू अहमदाबाद तो लखनऊ लै आए, कोई सुधार ना होया तो फिर एक होर नर्सिंग होम दे विच भर्ती कराएगा, जिथे उन्हां दी मौत हो गई, डैथ सर्टिफिकेट जारी कर दिता गया। लेकिन जदों परिवार संस्कार लई जा रहा सी तां अचानक विमलेश दे शरीर च कुछ हरकत हुई, ऑक्सीमीटर लगाया गया ते देखा गया कि कुछ हरकत है शरीर दे विच, जिसके चलते संस्कार नहीं किया गया ते घर दे विच ही विमलेश नूं रख लिया गया। परिवार ने विमलेश नूं किसी होर हस्पताल च भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि करोना महामारी सी ते किसी हस्पताल ने कोई सुनवाई नहीं की, तो इस दे चलते लाश नूं जिंदा समझ के घर दे विच वापस लिया गया। विमलेश की वाइफ भी एक बैंक ऑफिसर है, सारा जो परिवार है काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है, जो सवेरे शाम विमलेश की लाश की सफाई भी करते सन, मालिश भी की जाती सी, रोज़ाना कपड़े और बिस्तरे भी बदले जाते सन, कमरे का एसी 24 घंटे चालू रखा गया सी। डेढ़ साल तो यह सिलसिला लगातार चलता पिया सी। इस संबंधी जो अडिशनल CMO डॉक्टर गौतम ने वह भी जांच के वास्ते पहुँचे, जो पूरे मामले का खुलासा होया तो फिर कितने जाके उन्होंने मापियां नूं भरोसे दे विच लिया कि जेकर विमलेश जिंदा है तो उसका इलाज वड्डे हस्पताल होएगा, जिसके बाद उस हस्पताल लिया गया तो दोबारा डॉक्टर ने उसनों पूरे तरीके दे नाल मृतक ऐलान दिता। दस दिए कि विमलेश पहला बीमारी के चलते काफ़ी ज़्यादा कमजोर सी, उसके बाद डॉक्टरों का कहना है कि मृतक देह दे सड़न की प्रक्रिया दे विच लाश विचों पानी निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा स्मैल आती है, लेकिन विमलेश के शरीर विचों जो पानी निकलता सी उसनों परिवार रोज़ एंटीबैक्टीरियल लिक्विड दे नाल वार वार साफ करता सीगा, जिहदे चलते जो बैक्टीरिया हुंदे ने वो मृतक के शरीर के उपर वध नहीं सके, रोज़ मालिश की जाती सीगी। इस दे चलते जो ये मृतक शरीर सुक गया अते अकड़ गया, चमड़ी काली हो चुकी सी, मम्मी दे वांग दिखाई देन लगे, यानी डेढ़ साल तक मृतक देह नूं संभालिया गया, लेकिन गुआंढियां तक नूं भी बदबू नहीं आई क्योंकि उत्थे रोज़ सफाई का ध्यान रखा जाता सी, सफाई की जाती सी। तो जदों अधिकारियों की टीम ने लाश बरामद की तो साफ सुथरे नवें कपड़िया दे विच लाश मिली हुई सीगी।
इस संबंधी जदों होर पुछगिछ की गई तो गुआंढियों का कहना है कि परिवार काफ़ी समय तो रिजर्व रहिंदा सी, बाहरले लोगों के नाल संपर्क बहुत घट सीगा। विमलेश की जो वाइफ है उन्होंने कहना है कि उन्होंने इस गल की भनक सीगी कि विमलेश की मौत हो चुकी है, लेकिन क्योंकि उसके माता पिता मनन तैयार नहीं सन, डूंगे सदमे से, इसलिए अपने पुत्र की मौत मनन के वास्ते वो रेडी नहीं सके। तो पत्नी की भी नहीं सुनी कि इसे दे चलते वह भी परिवार के नाल शामिल हो गई। तो सब मिल के इस लाश का ध्यान रखते सके, हर रोज़ सफाई की जाती सी, एंटीबैक्टीरियल लिक्विड लगाया जाता सीगा, तो वार वार कपड़े बदले जाते सी, 24 घंटे एसी ऑन रहिंदा सी। ते 1.5 साल तक के परिवार एक लाश के नाल रहिंदा रहा, यह समझ के कि उन्हां दा बेटा दुनिया तो रुखसत नहीं होया, महज कौमा दे विच गया, तो एक ना एक दिन वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हुण किते जाके जदों उसदे ऑफिस तो कुछ अधिकारी उत्थे पहुँचे तो फिर पूरे मामले का खुलासा होया, सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया, मेडिकल ऑफिसर घर गए तो उन्होंने परिवार को समझाया, जिसके बाद प्रशासन ने अपने कब्जे के लाश ली है।